रही है, आग फड़क रही है, डज दैट मीन समथिंग? फादर, Yes. I have a very big question. What is this? This is laminate. I'm 32 years of marriage with you. See yellow? No. अजीब नहीं लगेगा आधा टाइल आधा पीओपी? अभी हमको पैकिंग करनी है अवार्ड्स की और जयपुर की साथ में. What's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another episode of Hustle with Sav. You and I, we hustle together. I'm back from Goa from a mini break. CEO reporting back on duty, and we need to go check on the house. Before I went to Goa, I was not vlogging एक दिन, और फिर जो गड़बड़ हुई है ना घर पे, guys, I could not tell you all. I could not share तभी with you all. But just for the weekend, I decided to go to Goa. I needed a breather. I needed a refreshment from all the घर घर that we've been playing. Because honestly, like my brain could not think of any. Anything other than laminate material, granite wallpaper paint. बस मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था. And I know a lot of you are like, why are you not looking happy when you're doing your house? I am happy internally. I'm happy. It is my dream house, but it's also so expensive. हर चीज, और जब खुद पैसा भरना होता है ना तो बहुत, मतलब you have to keep thinking. So I feel like हर footage में आप ऐसा सोचते हो कि मैं कुछ ना कुछ सोच रही हूँ, and I'm very like in a thought process and I'm thinking something. I'm actually doing the maths mentally. Can I afford this? From where will I afford this money? How will I manage this? Is it worth the investment? कितना ये रूम में जाना चाहिए? लाइक मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली मैच कर रहा होता है, एंड दैट गॉट सो एग्जॉस्टिंग फॉर मी दैट व्हेन दिस वीकेंड केम, आई वाज लाइक, रमजान से पहले लेट मी जस्ट गो गेट लाइक वन वीकेंड आउट ऑफ द सिटी एंड यू नो जस्ट गेट अ ब्रेक. एंड आई लव द ओशन, सो गोवा वॉज द परफेक्ट ब्रेक. हमारा एम्पास का समर कलेक्शन भी लॉन्च हो रहा है, सो ऑफकोर्स वी बीन हैंड्स हैवी इन दैट ऑल्सो. तो आई वॉज रिस्पॉन्डिंग टू एवरी वन फ्रॉम गोवा, बट एटलीस्ट द साउंड ऑफ द ओशन वॉज अ वेलकम चेंज. गोवा जाने से पहले आई वॉज नॉट व्लॉगिंग, और एक दिन मैं साइट विजिट करके आई, एंड इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई ना गाइज. मेरा जो स्टूडियो रूम है उसमें द पीओपी डिजाइन हैज अ सर्कल राइट इन द सेंटर ऑफ द रूम. लाइक अगर आप ये पीओपी डिजाइन देखोगे तो आप ये खाचा देख सकते हो, लाइक दिस इज अ रेक्टेंगुलर डिजाइन. तो मैंने दो रूम्स में ना डिजाइनर ऐसा पीओपी का डिजाइन अप्रूव करवाया है. इन द हॉल आई हैव दिस कर्व वेवी लाइक कंटेम्पररी डिजाइन, और मेरे स्टूडियो रूम में आई हैव दिस सर्कल थिंग. आई रियली रियली वॉन्टेड दैट. मेरे पहले से वो पिंटरेस्ट मूड बोर्ड पे थी, एंड स्टूडियो रूम इज द रूम दैट आई स्पेंड द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इन. सो आई रियली वॉन्ट दैट रूम टू बी एक्जैक्टली हाउ माई पिंटरेस्ट मूड board was. Really, really, really don't want to cheap out on materials and stuff and then later regret it. इसलिए everything I do end up selecting is काफी महंगा, काफी premium. But I know कि वो मैं वापरने वाली हूँ, और मेरे लिए you know दादी हमेशा बोलते थे कि वापरना नसीब करेंगे अल्लाह पाक. मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ घर, वो मेरा वापरना नसीब ही होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो मैं अपना पूरा आई एम ट्राइंग माई वेरी वेरी बेस्ट विद दिस हाउस. एंड व्हेन दिस पीओपी का गड़बड़ हैपेंड, मेरे को इतना मेंटल ब्रेक डाउन हुआ, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू, लाइक सच अ स्मॉल थिंग मेड मी सो अपसेट. बिकॉज जो वो सर्कल था वो ऑफ सेंटर था, लाइक जो बेडरूम था उसका मेजरमेंट में ऑफ हो गया. एंड दैट वाज मेनली बिकॉज वो दीवार से मेजरमेंट दिया था इनिशियली, बट वो दीवार पे हम लोगों ने लकड़ी की पैनलिंग की लाइट्स छुपाने के लिए. सो देन दैट सर्कल वाज नॉट कमिंग बैंग इन द सेंटर ऑफ द रूम, द एंटायर सीलिंग गॉट वेस्टेड. सो जो पूरा पीओपी, पूरा पैनलिंग, जितना मटीरियल, लेबर, सब कुछ पूरा ही वेस्ट हो गया. एंड वी वुड हैव टू शिफ्ट द एंटायर सर्कल टू अ न्यू पॉइंट, एंड दैट वॉज लाइक पूरा, सोचो ऑलरेडी महंगी चीज है उसका डबल कॉस्ट हो जाता था. सो दैट वॉज क्वाइट अपसेटिंग बिफोर माई गोवा ट्रिप. बट आई वॉज जस्ट लाइक, आई जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई वॉज लाइक मैं जा रही हूँ, और मैं चली गई. और अब मैं वापस आई हूँ, तो आज हम जाके देखते हैं कि हाउ प्रकाश अंकल हैज मैनेज टू फिक्स इट. ही डिड ट्राई हिज बेस्ट, ही टोल्ड मी कि मेरा कॉस्ट वो नहीं बढ़ाएंगे, और कोशिश करेंगे कि वही मटीरियल में हम कैसे कट पेस्टिंग करके उसको फिक्स कर सकते हैं, विच अगेन वॉज नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू योर, बट नाउ इट इज वॉट इट इज. दिस 19-20 हैज बिकम माई लाइफ ओनली नाउ. तो अब जाके देखते हैं क्या अपडेट है. थोड़े सिलेक्शन भी करने हैं. दिस माइट बी अ शॉर्ट ऑफ व्लॉग बिकॉज आज और कल ही मैं व्लॉग करी हूँ, और फिर हम जा रहे अजमेर दरगाह. मेरे घर के लिए सबसे बड़ी मन्नत थी कि द डे आई बाय माय हाउस, दैट ड्रीम हाउस जो मेरा था, देन आई विल गो टू अजमेर दरगाह. आई हैव नॉट गॉन सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. एनीवेज आई लव दैट प्लेस, इट्स वेरी वेरी पीसफुल. सो द फुल फैमिली इज गोइंग, तो हम परसों निकल रहे. तो आज और कल में मुझे जितना भी घर का काम है और मेरे साइड से सिलेक्शंस वगैरह है, पेमेंट्स वगैरह, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ताकि देन एवरीथिंग दे कैन बाय द रॉ मटेरियल एंड स्टार्ट द वर्क. सो लेट्स गो चेक ऑन द सारा स्क्वाड होम. पहली लाइट लगी आज पीओपी में. ये पीओपी का शेप इज दिस शेप दैट वी हैव गॉन फॉर दिस वेवी थिंग, एंड दिस इज द सरफेस लाइट्स व्हिच आर गोइंग टू बी. सो वन, हाउ मेनी मोर? टू, टोटल फोर. 1, 2, 3, 4 एंड योर. सो 8 ओवरऑल. काफी क्लीन लग रहा है ना अभी, सब कुछ क्लीन आउट हो गया है. अच्छा, दिस हैज बीन कंसील्ड. अभी ये फाइनल है ना, ये जो कंसील हो गया है. नाउ योर फ्लोटिंग शेल्व्स कैन कम योर. फ्लोटिंग शेल्व्स एंड द
अच्छा ओके ओके, तो अभी इधर एक कैबिनेट पहले डालने वाले थे, अभी हटा दिए, सो बिकॉज़ आई वांट दिस स्पेस एम्प्टी, सो दिस इज ओपनड आउट नाउ कम्प्लीटली. अच्छा ओह नाइस, दिस हैज बीन ओह वेरी नाइस. अरे हेलो पीओ सैंपल फुल आज, या बिकॉज आई लुक्ड एट दैट इमेज अगेन टुडे. दिस इज फॉर माय वार्डरोब. ये फिक्स हो गया है, ये इवन आउट हो जाए. ओहो ऑल दीज आर आल्सो कम. ओके वेट आई विल डू सिलेक्शन एंड नंबर. ये फिक्स होगा प्रकाश अंकल, ये जो अनइवन है वो इसके लिए अटका है ना, ये अपना फायर के लिए. नहीं आया अभी तक वो, आपका फोन नहीं उठा रहा है वो? मंडे तो आके गया. अच्छा ये ऐसी होने वाला है स्लोपिंग, ऐसी चाहिए था अपने को. ओके ओके, सो दिस इज आवर फाइनल. अभी ये सेंटर में है प्रॉपरली लिविंग रूम के. इट हैड गॉन ऑफ सेंटर, यू कैन सी दैट मिस्टेक ओवर हियर, बट वो कवर हो जाएगा, पेंट आ जाएगा उसके बाद. ठीक है, that inside if it's dark pink and outside it's light pink, no it will really give that. ye mdf hai kya wo green green? green is mdf. oh okay, these are my arches for the back. wardrobe ka bhi progress ho gaya hai, abhi drawers aa gaye wardrobe mein. you are doing each marking and giving them the lights. yeah okay good. idhar se kitna le lo? ha idhar se bhi 18 inch. मेजर करके बताओ इतना कितना है वो बोल रही है. टाइल के ऊपर पीओपी होने वाला है, टाइल के बाद जो वॉल बचेगा ना उसके ऊपर पीओपी कर देंगे, टाइल की फ्लश. तो अजीब नहीं लगेगा आधा टाइल आधा पीओपी? ये उनको पीओपी क्यों करके चाहिए कि उनका कैबिनेट डायरेक्ट वॉल पे चिपक जाए? अच्छा दिस वॉल इज नॉट लेवल्ड, नो दिस इज द बिल्डर्स वॉल और व्हाट? सो अगर इसके ऊपर चिपका है तो नीचे से यू कैन सी द गैप. ओके दैट्स व्हाई यू हैव टू लेवल द वॉल. ओके ओके, ये अपनी फ्लोरिंग टाइल है ना इधर की? फ्लोरिंग टाइल ये आप अभी इधर लगवा रहे हो, तो ये फ्रिज आ जाएगा इसके सामने. ओके ठीक है. सो यहाँ का जो ऊपर एक क्वार्ट्ज का फेशिया आ रहा है, मम्मी ने सुनी थी अपन ग्रूव दे रहे क्या उसके अंदर? नहीं ना, राउंडिंग होने वाला है ना, मैं वही मम्मी को बोल रही थी, उनको लगा ग्रूव आ रहा है. ग्रूव वूव नहीं चाहिए मेरे को, एकदम राउंडेड चाहिए. वो नीचे शेरा बोर्ड मारेंगे उसमें ग्रूव है. ठीक है ओके, क्लियर दैट. क्वार्ट्ज को, दिस इज माई बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक का मटीरियल वाइज. इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव बट वेरी प्रीमियम लुकिंग, सो इट्स गोइंग टू बी बैंग इन द सेंटर ऑफ द किचन. एंड सिंस अपना ओपन किचन है तो वो घर में घुसते के साथ दैट्स गोइंग टू बी द अट्रैक्शन. एंड इधर के लिए वी आर गोइंग टू टेक अ क्वार्ट्ज व्हिच विल बी सिंपल. सो बेसिकली यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल होगा और वहाँ पे अपना किचन है, तो इट्स गोइंग टू बी टू डिफरेंट थिंग्स. लेट्स गो हैव अ लुक एट द बाथरूम ऑल्सो, आई विल गिव यू अ बाथरूम अपडेट. दिस इज आवर बाथरूम अपडेट. आई नो फ्लैश में आप लोग को ज्यादा कुछ देखने नहीं मिल रहा है, बट इट्स मैट, यू कैन सी कि ज्यादा शाइन नहीं हो रहा है. इट्स सैटिन मैट, इट्स गॉट दिस पीच पिंक फिनिश, इट लुक्स रियली लग्जूरियस. एक बार सारी लाइटिंग वगैरह आ जाएगी ना, बहुत सुंदर लगेगा माशाल्लाह. तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर द बाथरूम, बिकॉज अभी जैसा मुझे बाथरूम बनाना था, आई कैन फाइनली मेक इट. वॉक इन का कुछ भी अपडेट नहीं है, ये खाचा ऐसी है, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, इसका ऐसे ही रहेगा. प्रकाश अंकल ये ना डार्क पिंक का लाए नहीं हो तुम लोग स्टूडियो में? ठीक है, वो तो मैंने फाइनलाइज किया, तो वो अंदर लेंगे और ये बाहर लेंगे, समझे आप? और ये वार्डरोब के लिए भी, और ये वार्डरोब में भी आएगा. और वो जो ये अच्छा है ना वार्डरोब, ये अपना लॉक हो गया, ये रूम के कलर्स. हाँ ठीक है, ये क्वार्ट्ज के ऑप्शंस है गाइस. क्वार्ट्ज इज गोइंग टू कम ऑन दिस काउंटर टॉप. ओके लेट्स सी, दिस इज द वाइट वी वांटेड. दीज टू आर द स्पेकल्ड वंस. ये नहीं चाहिए, ये चाहिए. इसका कोट निकालो, दोनों का कंपेयर करो कोट. दिस इज वाइबिंग विद आवर ग्रेनाइट. No, it's pure. Yeah. वो धवल वाला परफेक्ट था ना बाथरूम में, ये सेम हम बाथरूम में भी यूज करेंगे. दो शीट खरीदेंगे और दोनों जगह यूज कर लेंगे. बाथरूम में थोड़ा लाइट मारो जरा, आई थिंक वो धवल वाला ही परफेक्ट था ना.
ये मेरे को ऑफ यू आल्सो फीलिंग राइट नॉट जस्ट मी ठीक है वो धवल वाले को ही फाइनलाइज करो ये सब आप क्लीन कर दोगे ना भैया हाँ ठीक है A few hours later. दोनों अपने लेबल वाले ग्रीन्स है ना डाकर ओनली फॉर श्योर एंड वो दूसरा वाला ये तो नहीं अच्छा लग रहा है इसको भी तुम कर दोगे हाँ ठीक है देन दिस इज अप्रूव्ड लेट्स गो लाइव विद या दिस येलो इज पाइनएप्पल वाला कि आइस कॉफीज ओके ठीक है ओके ओके बिकॉज़ टू वी नीड राइट वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर आइस कॉफीज मैन आइस कॉफी वन विल डू द समर वाइब्स वाला थिंग बिकॉज़ आई हैव नॉट हैड अ कॉफी दैट विल बी योर लैंडिंग पेज फर्स्ट बैनर Which is your first banner right now? This. So what I'm imagining is me on the pool side that is there and the purple pineapple को तू zoom करके एक बड़ा कर दे और ये पूरा extension ही vitamin से दे. बड़ा कर दे मतलब तेरे size से रह ये करूँ match करूँ. वो जो एक image है ना दो images जो narrow down हुए हैं. We have one this. Okay. ये वाला निकाल सकते हैं because this is just coffee का which if I scroll नीचे मुझे दिख जाता है और I can remove hot chocolate. You can't remove hot chocolate. Yeah. So then, gift box. I think we can replace for a couple of. But gift box ka placement is not there anywhere. Is the point? Like I say, as a category. That's why ideally there should be only one summer banner because gift box is a full time product. Then which one also will I remove? Should I remove bundles then? No, you can't remove bundles also. We're out of banners. You can't add one more banner. No, 5 is the max that this theme allows. Or we remove this. Apparel, you can't remove. तो कॉफी पेज पे से कॉफी बैनर ही हटा देगी तो क्या बचेगा ठीक है ये वाले में कॉफी दिख रही है हाँ ठीक है तो एक गिफ्ट बॉक्स एंड एक गुमे वेलकम टू आवर गुमे फ्लेवर दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड दिस इज माय फर्स्ट मील ऑफ द डे आई डिडंट इवन ईट ब्रेकफास्ट मैं सीधा निकल गई घर देखने के लिए अभी इम्पल्स की मीटिंग के बाद आई एम गेटिंग माय ब्रेकफास्ट एंड लंच ऑल टुगेदर ब्रंच इतना नहीं खा पाऊंगी बच्चा इसको थोड़ा कम कर दो सैलेड देंगे दिस इज द डिजाइन फॉर द मेन डोर जो उसने अभी मुझे भेजा है सो आई एम जस्ट चेकिंग बेसिकली यहाँ पे फायर बोर्ड है मेरे घर के बाहर ही जो फायर इमरजेंसीज के लिए होता है सो आई एम ट्राइंग टू फिगर दिस विल बी अ डोर एंड देन सम स्टोरेज और फिर ये मेन डोर होगा सो आई एम अप्रूविंग ऐसा इंटीरियर डिजाइनर्स ना तुमको पूरा बना के देते दिस इज व्हाट आई लव अबाउट ये डिग्री डिजाइन हाउस दैट दे आर गिविंग मी एवरीथिंग सो इन डेप्थ ना कि देयर इज कंप्लीट क्लैरिटी राइट फ्रॉम द बीम किधर है एडजस्टेबल शेल्व्स किधर है एवरीथिंग रिजानन केशवी आर वेरी वेरी थरो इन डिजाइनिंग द कलर्स द वॉल लाइट लाइट पॉइंट्स सब कुछ एंड देन दिस कोऑर्डिनेशन हैपेंस क्लियरली विद द कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा पीओपी में भी गड़बड़ हुआ इट वॉज नॉट देयर फॉल्ट इट वॉज द पीओपी वाला मेजरमेंट गड़बड़ बिकॉज ही मेजर्ड मतलब क्या ऊपर नीचे हो गया था मालूम है ही मेजर्ड फ्रॉम हियर तो वो ऑफ सेंटर चला गया ही हैड टू मेजर फ्रॉम द सीलिंग ओनली बिकॉज शी गेव मेजरमेंट्स फ्रॉम द सीलिंग ही मेजर्ड फ्रॉम द बीम तो वो 19-20 होके वो ऑफ सेंटर हो गया था बट अभी टुडे दे फिक्स दैट ऑल्सो सो ग्रेट जॉब इतना कुछ मुझे कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ा है सो वी आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम ईटिंग एंड देन आई विल गेट टू मोर वर्क दैट आई हैव टू फिनिश फ्रॉम द ब्रांड साइड ऑफ स्टफ यस आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्रांड लुकिंग फॉर बिकॉज व्हाट आई हैव रिसीव्ड इन माय ब्रीफिंग इज अ वुमेन्स डे क्वेश्चन आंसर ऑफ फॉर्मेट बस थोड़ा सा बचा आज का व्लॉग नहीं गया मेरा थंबनेल वगैरह सब कुछ रेडी है एडिटर मुझे सिर्फ व्लॉग भेज रहा है एंड देन फट से अपलोड कर दूंगी मैं उसके बाद ये घड़ी बंद है मम्मी भाई मैं सुबह उठी और मेरे को लगा 9:30 बज रहे पर 9:30 नहीं बज रहे 10:30 बज रहे थे जब मैं सुबह उठी थी बंद घड़ी से अच्छा तो नो घड़ी जिंदगी बंद हो जाती है नाउ दैट आई एम डन विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी कैन गेट टू पैकिंग फॉर अजमेर जयपुर में हम लोग जा रहे हैं जयपुर और फिर वहां से अजमेर दरगाह जाएंगे और फिर वापस जयपुर आएंगे सो देयरफॉर टू डेज इट्स लाइक अ शॉर्ट थिंग बेसिकली जस्ट
जस्ट गोइंग फॉर द दरगाह विजिट, बट एक ही दिन में अजमेर जाके वापस मुंबई आना इज टू हेक्टिक, सो दैट्स व्हाई वी विल स्टे बैक इन जयपुर. और जयपुर में काफी ठंडी है, जस्ट चेक द टेम्परेचर, इट्स 20 degrees, सो आई एम गोना पैक अ लिटिल बिट ऑफ वार्म क्लोथिंग. आई लव राजस्थान, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी टू विजिट इज राजस्थान. टाइम टू स्विच माय गोवा स्विम सूट्स फॉर सलवार सूट्स. Let's go. मेरी ये वाली जीन्स लूज हो गई है गाइज, मिरेकल हो रहा है. सीधा स्किन केयर मेकअप तो गोवा का पैक्ट ही है, बस उसको वैसे ही रखना है. Later that same evening. Guess who made it to the gym today? After 2 weeks of a break, I've come back to the gym, guys. 2 हफ्ते बाद अब मैं जिम आई हूँ तो मेरा स्वागत किया जा रहा है हैवी वेट्स. आपका एक वो बनाएंगे. क्या बनाएंगे? जिसमें मैं लोगों को बताऊंगा कि ISTK के अलावा इंडिया में एक और टाइम सारा टाइम SST सारा सेंटर 8 बजे के वर्कआउट पे जो 8:30 बजे आती है. ISTK होता है ना, उसमें आधा घंटा अगर प्लस करोगे तो आप SST के हिसाब से जाओगे. तो अगर ISTK में उसने किसी ने बोला है आपको कि 8 PM तो आपको 8:30 आ रहा है. अच्छा. टुडे ही आज में बिफोर वर्कआउट के नॉर्मल टाइम पे है कि आपके वाले टाइम पे आना है. 8 to 9 इज अवर सेशन. फील सो एक्साइटेड टू बी वर्किंग आउट आफ्टर 2 वीक्स. The next day. आज सुबह आपकी सारा 5 बजे सुबह उठ के काम पे जाके वापस आ चुकी है. इट्स 11 o'clock. आई एम गोना गेट अ क्विक नैप. आई एम जस्ट अबाउट ईटिंग माय ब्रेकफास्ट बिकॉज सुबह 5:30 बजे मुझसे कुछ खाया नहीं गया. सिर्फ कॉफी पी के आई वेंट एंड केम बैक. दिस इज माय ब्रेकफास्ट फॉर टुडे. आई आइडियली ईट अंडा और अंडा भुर्जी और एनी फॉर्म ऑफ अंडा इन द मॉर्निंग. यू ऑल नो आई लव अंडा एंड माय न्यूट्रिशनिस्ट हैज बेसिकली पुट मी ऑन अ हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट. तो फिर देयर इज नो ब्रेड, नो टोस्ट, नथिंग, जस्ट प्योर अंडा भुर्जी एंड देन सम पीनट बटर एंड स्ट्रॉबेरी. तो जितना भी मेरा फ्रूट का कोटा होता है ना, मैं सुबह ही कंप्लीट कर देती हूँ. देन आई डोंट ईट फ्रूट अ लॉट थ्रू आउट द डे. सो वट एवर इट मे बी लाइक बेरीज, देन आई वाज हैविंग ऑरेंज जूस, जितना भी स्वीट फ्रूट चाहिए सुबह में आई ईट. आई डोंट ईट केला एंड आई डोंट ईट ग्रेप्स. ये 2 फ्रूट मैं नहीं खाती, बाकी सारे फ्रूट्स खा लेती हूँ. द बुक आई एम रीडिंग राइट नाउ इज लव रीडिजाइंड. दिस इज द नेम ऑफ द बुक. कितने लोगों को मेरी बुक की इन्वेंट्री भी देखनी थी. I read this book, Twisted Love, but honestly I didn't like the writing. इतना ज्यादा ही twisted है and honestly मजा नहीं आया. ये सीरीज बहुत अच्छी है, Mile High, Right Move, Liz Tom Ford की, and third one is Caught Up. मेरे पास physical copies भी सबकी है. मैं शुरू कर देती हूँ reading on e-book, then if I like it, I buy the physical copy. So right now I'm reading Love Redesigned and this is my Dreamland Billionaire series, The Terms and Conditions and the other two. These were my college books which were previously my pharmacology and me before you मैंने college time में पढ़ी थी. बाकी सब मेरी occupational therapy, muscle tone के PPTs वगैरह है मेरे iPad में. But yeah, I'm right now reading Love Redesigned. It's by the same author of the Dreamland Billionaire series. तो अब भी शुरू किया मैंने. मेरी सारी बुक के recommendations मैं description में link कर दूंगी, so you all can directly check it out from there. You can either buy the physical book on Amazon if you're a paper book person like me. I love my paperbacks. I love the smell. I love the feel of reading a paperback. And रात को lamp on करके बस book पढ़ो और फिर सो जाओ. That's the vibe. E-book से ना नींद नहीं आती है because you are constantly screen time होता है. तो मुझे e-book से इतनी पसंद नहीं आती. बट अगर आपको बुक्स नहीं खरीदनी है, यू कैन जस्ट डाउनलोड ई बुक्स ऑनलाइन. इट्स वेरी इजीली अवेलेबल. जस्ट टाइप द नेम ऑफ द बुक EPUB. And you get it. I absolutely hate sleeping in the day because then when I'm sleeping, everybody's calling me and having updates and living their life. And so much happens when I go to sleep. In the day, I woke up now at 1:30 and my eye fadak rahi hai. Does that mean something? Right eye fadakna. But just now, a manager called me and I'm being invited to the National Creators Award, which is happening in Delhi by the government of India. Jo bahut badi deal hai, but abhi main siyappa hi hai ki it's happening on Women's Day, 8th March. And I am going to be in Ajmer. जयपुर ऑन 8th March. कल सुबह की हमारी फ्लाइट है फैमिली की, जाने अजमेर. हम जा रहे जयपुर फिर अजमेर दरगाह. एंड इफ आई हैव टू अटेंड दिस इवेंट, आई विल हैव टू गो फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, अटेंड इट एंड देन कॉम्प्रोमाइज ऑन फैमिली टाइम. देयर इज नो ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल कैटेगरी इन दिस. द मेन डिबेट आई एम हैविंग इज कि इनका कोई ब्यूटी कैटेगरी नहीं है नेशनल क्रिएटर अवार्ड में. तो देयर इज नो नॉमिनेशन फॉर मी और आई एम नॉट बीइंग अवार्डेड. बट इवन टू गेट एन इनवाइट टू द इवेंट, दे आर ओनली इनवाइटिंग पीपल दे फील हैव मेड अ डिफरेंस टू सोसाइटी. सो टू गेट एन इनवाइट इज ओनली सच अ ह्यूज डील. तो मैं
सोच रही हूँ जाना तो चाहिए, मुझे पता भी नहीं था कि ये हो रहा है। माई मैनेजर हैज जस्ट स्प्रंग दिस अपॉन मी एंड शी इज लाइक अभी बताओ अगर जा रहे हो तो, बिकॉज आई विल हैव टू डू द फ्लाइट्स, दे आर डूइंग आवर फ्लाइट्स फॉर अस टू अटेंड द इवेंट, बट आउटफिट तो मुझे करना पड़ेगा, सब कुछ सॉर्ट करना पड़ेगा, कल सुबह मैं जयपुर के लिए जा रही हूँ, जयपुर से करना पड़ेगा, इट्स अ लॉट एंड आई हैव नॉट ब्रोकन दिस टू माई फैमिली। माई सिस्टर इज गोइंग टू किल मी बिकॉज शी वॉज गोइंग टू मिस ईशान्स एनुअल डे फॉर आर फैमिली ट्रिप। आई हेट वॉज लाइक फैमिली टाइम फॉर दिस। फादर, yes, I have a very big question for you. Yes. So tomorrow, yes, there is, we are going, yes, hai na, to Jaipur. No, Ajmer. Yeah, Jaipur main in the morning. Darga is the main target. Correct. Jaipur, we are going to tour the place. So on 8th, I'm being invited to the National Creators Award in India happening in Delhi by the government of India. Very good. So then how will I go? You can go, no, 7th night you catch the flight. That's what I'm thinking, but then I'll miss our trip. Let it be. We'll come back. Then from Jaipur, I'll come directly to Bombay. Why? Go directly to Delhi, no? From Jaipur. No, Jaipur se Delhi. Delhi se Bombay, na? Vapas nahi aao na tum log ke paas. Kyunki subah ka award. Nahi, but mera subah ka award hai na 9th ko, to main aa sakti hu chahiye to. Nahi, phir tu aayegi khali return aane ke liye. Exactly. Aur flight un log kar rahe. Mummy, I have news for you. प्रकाश अंकल को लेके ऐसा केशवी इज कॉलिंग, दैट मीन्स शी इज रीच्ड। अरे ये घर घर में मेरा काम रह जाना है। हेलो, या केशवी, आई एम जस्ट कमिंग इन 5 मिनट्स, गिव मी 5 मिनट्स। या 5 मिनट्स बोल रही हूँ गाइस, हालत तो देखो, इसलिए मैं दिन में सोती नहीं हूँ, मालूम है, इसीलिए मैं दिन में सोती नहीं हूँ। अभी मेरे को जाना है लैमिनेट सिलेक्ट करने के लिए केशवी के साथ। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना फास्ट सब कुछ? कपड़े, मेरे पास नेशनल अवार्ड में पहनने के लिए कपड़े नहीं है गाइस, क्या पहनूंगी मैं अभी, क्या पहनू? ओके सारा, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अभी मैं ये पहन सकती हूँ पैंट, और इसका टॉप ये मैं एयरपोर्ट पे पहनूंगी। यू डोंट स्माइल टू मच, यू नो व्हाट हैज हैपेंड? व्हाट? आई एम बीइंग इनवाइटेड टू द नेशनल क्रिएटर अवार्ड इन दिल्ली, व्हिच इज ऑन 8th बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Oh, then you go. And then अपना ट्रिप, यू गो फ्रॉम देयर ओनली डायरेक्टली? करेक्ट, आई एम डूइंग दैट। वी आर ऑन द सेम पेज, आई वॉज जस्ट चेकिंग विद यू ऑल। मेरे को अब भी कॉल आया ना, बट अभी मेरे को उसका भी आउटफिट सॉर्ट करना पड़ेगा, मुंबई टू जयपुर। So you want me to come with you? No. शिवी इज देयर विद मी। शिवी इज कमिंग। शिवी विल कम फ्रॉम मुंबई। अच्छा, अब भी हम लोग की बात। But I can join you if you want. No, you be with Ishan and Sabrina. We are not cancelling this. Only my ticket I'll cancel from that. चलो, okay, tata, bye bye. Oh, I'm wearing this guys, ये top jeans, पहले laminate लेने जाते हैं, तब तक शेरिन एंड सिया विल अरेंज द आउटफिट एंड द फ्लाइट्स। फास्ट फास्ट मेरी लाइफ बदलती है, फील लाइक आई कांट इवन अपडेट एवरीबॉडी। एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अवार्ड्स एंड आई एम ट्रैवलिंग ओनली 19 मार्च को। अब भी इनवाइट आया है फॉर मामाअर्थ ब्यूटीफुल इंडियंस अवार्ड अगेन दिस ईयर, आई विल मिस इट बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग ऑन 19 मार्च। लास्ट ईयर आई वाज इन स्पेन, दैट टाइम दे हैड इट इन मे, नाउ दे आर हैविंग इट इन मार्च। जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तभी अवार्ड्स करने के, इतना भाग भाग। अभी ये 19th वाले ट्रैवल्स आई वोंट बी एबल टू कम बैक फॉर मामाअर्थ ब्यूटीफुल इंडियंस। आई फॉरगॉट माय सनग्लासेस ऑन टॉप मम्मास ब्रिंगिंग इट। I'm really busy if I'm forgetting sunglasses. Yeah. I never leave my house without sunglasses. And your water bottle. And my water bottle, yeah. This is probably the last selection for the house. Baki sab ho gaya abhi select. No, not over. What? Other the small decor baki. ओ बापरे बापरे, खत्म ही नहीं हो रहा है तुम लोग का। व्हाट इज दिस केशवी? दिस इज नॉट लैमिनेट, दिस इज अ चारकोल पैनल। दिस इज व्हाट्स कमिंग ऑन, दिस इज, वी आर नॉट यूजिंग दिस ऑन द टीवी वॉल। ऑन द टीवी वॉल, नो, नॉट दिस, द अदर वाइट वन। बट दिस इज नॉट लैमिनेट, मोल्डिंग वाला। बट दिस इज नॉट लैमिनेट, दिस इज नॉट लैमिनेट, प्लास्टिक है। आई वाज अज्यूमिंग दिस लैमिनेट इज फ्लूटेड। नाउ यू वांट टू पुट इट समवेयर? नहीं, वो मेरे उस पे डालने का है ना। किस पे? मैं तेरे को ऐसे बोल रही थी, मेन डोर पे ऐसा डालने के लिए। मेन डोर पे ऐसा डाल सकते? नॉट वुडन, देयर इज नॉन वुडन आल्सो ना। We can't do charcoal paneling on my main door. यही सबसे ज्यादा फ्लूटेड आता है क्या? इससे ज्यादा भी नहीं आएगा। This is laminate. But ये ऐसा थोड़े दिखेगा, ये तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिख रहा है। इसका फ्लूटेड अपियरेंस यू कैन ओनली सी लाइक दिस।
What other options we have in laminate if not fluted? आप एक काम करो ना, बेज कलर में मेरे को सारे दिखाओ. पहले बेडरूम का कर रहे ना. वार्डरोब. व्हाट यू वांट? वो जो पिंक है वो. दिस 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 पिंक इज नॉट द वाइब. ये वाली जो आपकी बुक है सबसे अच्छी है फिर तो. ये आपने घर पे नहीं भेजे थे? अभी इतने सारे बुक है तो सही वाला भेजने का ना, ऐसा एवरेज क्वालिटी नहीं भेजने का. दिस खाकी इज दिस इज नाइस. दिस इज नाइस. या आई लाइक दिस. दिस इज येलो. नहीं ओ ग्रीन एंड ये मैं फोन पे. दिस येलो इज माय हैप्पी कलर. या आई नो यू मैन आई वाज सेइंग वी विल डू ग्रीन बट नो बिकॉज़ द फैब्रिक्स ऑफ द बेड यू कैन चेंज व्हेनेवर यू लैमिनेट. यू लैमिनेट यू कांट चेंज. Then after some time you get frustrated. Yeah, it would be too dark for your room. That's why I wear take veneer room. Not veneer. That's sorry. Beige. And why? Veneer में केशवी कूद जाएगी 31st floor से. Only मेरा पूरा design पानी में. पूरे घर के mood है. Full lonely will look nice. The entire. Yeah. How about the darker brown? Yeah, yeah. I like it would be a forest then. I like this better. ये आपका best है क्या? एनी स्कोप फॉर चेंजिंग आप मुझे तो पढ़ाई थी. मेरे तो मेरे दिमाग में ग्रुप सोच रही थी कि लैमिनेट में ग्रुप जाते वो हम लोग को एमडीएफ के डिपिंग ज्यादा आती है. कॉफी टेबल. कॉफी टेबल यही बोल रहे ना. ड्यू को पेंट करना वो ही ना. पीयू पीयू से पीयू से ज्यादा नहीं. ड्यू को इज चीपर देन बट इट इज नॉट ड्यूरेबल. व्हाट इज दिस? दिस इज लैमिनेट. No, it has the same charcoal print. See, Ma, this is what we've selected for the bedroom. PU. This is very nice. Studio room. I told you, na. PU ka to maza hi alag hai. Paisa bhi alag hai, but maza bhi alag hai. Yeah, PU ka finish. Yeah, both are good. Both colors are good. Then what? Chai se chale aa raha hai. तो तुमने क्यों नहीं की फिर तुम्हारे घर? बहुत expensive. Correct. कभी डिको पेंट बोलते थे तभी भी बहुत महंगा है. सेम नो डीको एंड पीयूज. दिस अपीयरेंस इफ हम लोग को चाहिए गाइस तो इसमें अपने को एमडीएफ और पीयू करना पड़ेगा जो बहुत महंगा पड़ रहा है. स्टूडियो रूम में आई एम डूइंग पीयू ऑलरेडी सो आई एम प्लानिंग टू गो फॉर लैमिनेट्स व्हिच विल गिव मी दिस इफेक्ट व्हिच इज लेसर ग्रूव. आई फील लाइक लेसर धूल ऑल्सो ना. लेसर धूल ऑल्सो. या या यू कैन क्लीन लैमिनेट्स इजीली. दे आर रफ एंड टफ. People are putting on the wall, you know, like passage. And we are doing it on the TV wall, na? TV wall we are doing. Yeah, okay. Then I think this is fine. Then ये lock करो. ये आप मुझे but मेरे rate में करके दो. और ये अपन इसके लिए लेते console के लिए. ये मेरे को बहुत अच्छा लगा. Not color, baby. Yeah, okay. White you wanted, na? Yeah, we wanted some off white. हाँ, why? Take something that flushes out with the paint. This is also nice. Different. Not my vibe, but different. This is that drywall effect. Guys, we are deciding to go with this laminate book सबसे ज्यादा. अब मैं आपको सारे कलर्स फाइनल नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज बहुत सारी कलर्स है एंड आप थोड़े कंफ्यूज होगे कि भाई इतना रंग बिरंगा क्या चल रहा है. लैमिनेट का एडवांटेज इज दैट इट बेंड्स एंड नॉट ऑल लैमिनेट्स बेंड. दे ऑल आर इन शीट. यू कांट बेंड देम. तो जो अपने को ग्रूव्स व्रूव्स बनाने होगी ना ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग जो करने की होती है चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स वगैरह में वी कैन डू दैट. सो दैट्स द रीजन आई एम डिसाइडिंग टू गो विद दिस लैमिनेट बुक. इट्स अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव. लाइक दिस इज से 2000 देन दिस इज 4000 लिटरली डबल फॉर शीट. But I think it's worth it because then we'll be able to get those designs and see those turns and everything. Yes. You'll be able to get this turn and we then match it with the island. Console, yeah. This is the molding patti jo detailings mein use hota hai. Ye kya material hai? PVC. Plastic basically. Yes. This is what this one is doing, no Anjali? Yeah. She's doing the sabse patla. She's doing that patla sa, yeah. Sabse patla wala.
6 mm का है, मिनिमम 10 mm है ना ये, 16 mm है। दिस इज व्हाट शी इज टेकिंग फॉर द किचन कैबिनेट्स। मच लेटर। वी ऑलरेडी सेड बाय टू द पाइनएप्पल एंड लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक, बट मुझे नाखून निकालने पड़ेंगे रमजान के लिए। गेटिंग माय रमजान प्रेप इन, सेइंग बाय टू द समर नेल्स अ लिटिल इन एडवांस, और पैरों का भी नेल पॉलिश, एवरीथिंग आई एम रिमूविंग। I do this every year, you all know. One eternity later. I got a head massage, lost all my nails, but the headache is not gone. This is so much to do, guys. Clone lagega mera. I can't recognize my own hands. I'm so used to doing my nails, which is why I get rid of them in Ramzan. Yes, baby. Aur Azhar, kya hal chal tumhare? Kahan hai, kya laye tum mere liye? Kya kahan hai sare kapde? ये तो नया जो अभी पहनने के लिए आया ना शरण, ये तुमने क्या लाया हो? अच्छा मम्मी का है। मेरा क्या, मेरा सर दुख रहा है शरण। ओहो काफी प्रिटी, वेरी नाइस, फिट होगा मुझे लगता है। यू आर हैप्पी ना? दैट्स व्हाई यू हंटेड बिफोर मी टू शर्ट, आई न्यू इट। हमारी टिकट्स नहीं आई है दो अभी तक। मैं ये ट्राई करूँ की ये भी ट्राई करूँ। क्या है नीचे? इंद्रानिया जोनी सेंट दिस, विच इज द सेम ब्रांड आई वोर फॉर फैबीज वेडिंग। वेरी प्रिटी फिटिंग तो मस्त आई है गाइस ब्लाउज की, एंड इट्स सो यूनिक and so different to anything I've ever worn. ये pre-draped है, so no tension at all. ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा नाड़े से। ये मैं बोल रही हूँ कि ये जो पार्ट है जब ऊपर होगा तो ये ऐसा खुलना नहीं चाहिए, देखो ताकि थे खुलेगा ऐसा। हाँ, वो प्लेट खुलता है, ये वाला प्लेट जो है ये, हाँ ये अपना यहाँ शोल्डर पे ऐसा आ जाएगा, ये पल्ला जो है ये पूरा खुलता है यहाँ, ये इसके ऊपर आना चाहिए, अंदर ही जाना चाहिए। अंदर बाहर आएगा तो भी इट लुक्स गुड ओनली। वो गिरने दो, let's see how it looks. It doesn't really fall because there is a stitch over here. It's just like an accordion. Otherwise the thing that's happening is ye maza nahi aa raha hai kyunki isko tumko silna chahiye aisi jagah pe ki ye dikhe. Kya dikhe? ye aisa gir raha tha, dekho na ye cheez ko na ye dikhe to ye abhi se zyada log hai na yahan tak khade hain. ye part to jo hai ha, so when that happens, yeah, so this theek hai. Yesterday we were trying to pack only for Jaipur. अभी हमको पैकिंग करनी है अवार्ड्स की और जयपुर की साथ में। लकीली द साड़ी दैट हैज कम, इवन दो इट्स कम सो लास्ट मिनट, इज सो परफेक्ट, फिटिंग भी परफेक्ट है उसकी। अजहर को भी शरीर ने बुला के रखी थी जस्ट इन केस द ब्लाउज नीड्स एनी फिटिंग। खाली एक टाका मैं लगवा रही हूँ ताकि इट्स प्री प्लीटेड एंड इट जस्ट लुक्स एंड स्टेज इन प्लेस ऑल द टाइम, अदरवाइज दट साड़ी डज नॉट नीड एनीथिंग। एमराज बाय इंद्रानी एक्चुअली हैज सम ग्रेट क्लोथ्स, दे हैव अ स्टोर इन प्रभा देवी, दैट्स वेयर आई गेट माई स्टफ फ्रॉम। अभी के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू ऑल्टर माई पैकिंग ग्लैम वाइज। वैसे तो मुझे जो भी अजमेर के कपड़े हैं वो तो चाहिए ही होंगे, बट अभी इतने ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं है। कल एक जोड़ी पहन के जाऊंगी सूट में, और आते समय एक्चुअली मैं इतने कपड़े रखती हूँ क्योंकि दिल्ली में उनसे आई नीड, बट आई शुड जस्ट ऑल्टर माय ग्लैम एंड माय एक्सेसरीज। पहले मैं भारी, वैसे एक्सेसरीज भी वो सारी को इतना कुछ चाहिए नहीं, जस्ट इयररिंग्स। फिर बाद में तेल है, मुझे जिम भी जाना है, मुझे जिम भी जाना है गाइज। आ गया मेरे ट्रेनर का मैसेज। इट्स जस्ट द ओनली टाइम आई एम गेटिंग फॉर माय सेल्फ दिस डेज, सो आई एम ट्राइंग नॉट टू skip out on gym no matter what, because uske alawa mujhe mere liye time to milta hi nahi hai, jaise ye ghar ghar khelne mein na, it's exhausting. I wanted to sit and I have edits to complete, I have so much work, it's unending, but I'm just trying to make my ends meet at this point. Jo priority level pe sabse zyada high hai wo main pehle complete kar rahi hu. The next morning. Alright guys, I'm gonna end this vlog right here. Subah ke baj rahe hai 4:30 aur abhi hum nikal rahe hai 5:45, but uthe to hum 4 baje the. Meri ek aankh dekhi nahi, chotu lag rahi. Chotu is making nashta and we are going to Ajmer. I will see you in the next vlog. Bahut kuch ho raha hai, please wish me luck to survive everything that is happening and not fall sick amidst all of this, please Allah. For this video, subscribe goes to Anisha Nandan. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you're in part next to subscribe, you know what to do, hit subscribe button, bell icon right next to you, leave a comment down below saying hashtag Sarah Squad, and subscribe for my next video, Sarah Squad. I will see you next in another video. Bye guys, love you.